दोस्तों नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ विकास घोरपड़े, अपना चैनल है थिंक पॉजिटिव टेक्निकल, जिसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे है। मैं इतना वीडियो डालता हूँ, 200 वीडियो हो गए, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल बढ़ना चाहिए, आप लाइक भी नहीं करते। मैं चैनल में काम कम कर रहा हूँ, आप मैं ज़्यादा काम करने वाला नहीं हूँ, तो चैनल को ज़्यादा बढ़ावा दे दो, सब्सक्राइब करो। तो हमारा इंजन का काम पूरा हो गया है, अब मैं आपको वॉल सेटिंग वगैरह सब करके इंजन फिट किया है, ब्लॉक पिस्टन नया डाल दिया है, तो आपको दिखाता हूँ मैं इसका फायरिंग। ओके, ये पूरा इंजन हो गया है हमारा, सिर्फ टाइमिंग चेन किट पुराना ही डाल दिया है, नया नहीं डाला। वो डाल देते नया तो और अच्छा फायरिंग आ जाता। ओके, तो फायरिंग की तरफ आप देख सकते हो, ये फायरिंग का आवाज़ आप देख सकते हो। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और चैनल को बढ़ना चाहिए, 1,00,000 सब्सक्राइबर हमारे नेक्स्ट पाँच महीने में पूरे होने चाहिए दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल बढ़ना चाहिए। अभी सिर्फ 25,000 सब्सक्राइबर है, आगे जाके अपने को बहुत बड़ा चैनल करना है अपना। प्रसाद भाई चलो लगा लो चेन कवर लगा लो। ऑयल रिंग की ऊपर की खांचे तो एग्जॉस्ट की यहां रहेगी, ऊपर की ऑयल रिंग के ऊपर की, और ऑयल रिंग के नीचे की है इस इनलेट के यहां रहेगी, ऐसा क्रॉस में रखने का। ओके, देखो एक खाच ऑयल रिंग के नीचे की, यहां ऑयल रिंग, एग्जॉस्ट वाल की ऑयल रिंग के नीचे की रिंग का यहां, और ऊपर ऑयल रिंग के ऊपर की यहां इन लिखा हुआ ऐसा पीछे आएगा, और टॉप वन रिंग एग्जॉस्ट की तरफ, टॉप टू रिंग इनलेट की तरफ, ऑयल रिंग के ऊपर वाली रिंग एग्जॉस्ट की 30 डिग्री इधर, और ऑयल रिंग की ऊपर वाली 30 डिग्री इस तरफ एग्जॉस्ट के, और 30 डिग्री इस तरफ एग्जॉस्ट का जो मार्किंग KZ के लिखा है उसके दोनों 30-30 ऑयल रिंग के ऊपर नीचे वाली रखने की। ओके, तो इस तरह से फिट करने का। तो पिस्टन रिंग हमने पिस्टन लगा दिया है ऊपर, नीचे हम कपड़ा लगा देंगे ताकि जो लॉक लगाना है हमें वो क्रैंक में ना गिरे, इसलिए कपड़ा रखने का और लॉक लगाने का, उसके बाद पिस्टन रखने का। ओके, टीसी कट करा था, कट कर, ये ब्लॉक है, ये पैकिंग है, इसे हम ऑयल लगा दिया है, अब हम लगाते हैं पिस्टन ब्लॉक को। तो ये रिंग्स हमने सेट कर दिए है, अब ये गैस्केट को हम पहला नीचे लगा देंगे। ये पैकिंग, इसके बाद ये चेन। ओके, ये पैकिंग हमारा लग चुका है, उसको थोड़ा ऑयल लगाने का ताकि बाद में पैकिंग, उसके बाद ये उसके बाद हम ये रिंग्स प्रेस करके बिठा देंगे। रिंग को प्रेस करेंगे और ब्लॉक को नीचे डाल देंगे।
पहुंच कर। ये देख सकते हो आप, ये धीरे धीरे नीचे लगाने का, हल्का हल्का। और ये चेन हमने पहले डाल के सब कुछ गलत कर दिया है, ये चेन तकलीफ देती है। ये चेन ऊपर लेने के बैठ गए। ओके, तो बैठ जाने के बाद देखने का, एकदम हल्के से ऊपर नीचे होना चाहिए। और देखो ऊपर, ये देखो तो हो गया। इन लिखा है वो बड़ा वाल इनलेट और एग्जॉस्ट वाला आगे। ओके करो करो। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है ब्लॉक लगा के। ओके, तो ये देखो ये पिस्टन टॉप पे लेने का, यहाँ मार्किंग दिया है वो व्हील सेट करने का और हेड लगा देने का। ओके, क्या ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, इसमें मार्किंग दे दिया है उस हिसाब से लेने का वो, और पिस्टन टॉप पे रख के हेड लगाने का, खत्म काम। हेड बिटा के हो गया है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो व्हील रहता है उसे मार्किंग है, मार्किंग, और ये के वाई वाई ए लिखा है। ये पिस्टन टॉप पे लेने का और इसको ऐसा सीधा रखने के, रख के चेन, ये चेन फिट करने के, और 12 नंबर नट लगाने का, बीच में एक व्हील रहता है 10 नंबर पे, सम खत्म। और हेड पे टॉप पे हेड कैमशाफ्ट फ्री चाहिए, दोनों वॉल लूज चाहिए, लूज। और ये 12 नंबर के 4 बोल्ट वाइशर अंदर, 8 नंबर के 2 बोल्ट है अंदर। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वॉल लूज चाहिए तभी पिस्टन टॉप पे लेके चेन व्हील लगाने का, उसके बाद वॉल सेटिंग करने का 0.08 इनलेट को और 0.012 एग्जॉस्ट को। ओके, तो हो गया का कुछ ऐसे कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। हाँ ओके दोस्तों, रखता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। हेलो प्रसाद भाई, ड्रीम न्यू को इनलेट को 0.08 एग्जॉस्ट वॉल सेटिंग रखने का और एग्जॉस्ट को 0.012। ओके हाँ कर लो। टाइमिंग की जो चेन है हेड की, उसको टेंशनर देने के लिए यहाँ नीचे टेंशनर रहता है, वो यहाँ टेंशनर टाइमिंग चेन को इस तरह से टेंशन देता है। तो ये नीचे यहाँ 14 mm के बोल्ट में फिट रहता है। टाइमिंग चेन किट जो परचेस करते हो आप, उसमें टाइमिंग चेन, ये रोलर, ये बुश, यहाँ का रोलर, ये और ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए टाइमिंग चेन किट हर 40,000 के बीच में चेंज करना जरूरी है। तो ये टेंशनर का काम करता है। यहाँ देख सकते हो आप, ये बोल्ट है, इसके अंदर ऑयल रहता है और वो ऑयल से प्रेशर मिल जाता है टेंशनर को यहाँ से। ओके, तो टाइमिंग का चेन टेंशनर ड्रीम न्यू के लिए कैसा रहता है ये मैंने आपको इसमें दिखाया है। तो ये नीचे से टेंशनर रहता है, यहाँ आप शाइन को देखोगे तो चेन टेंशनर यहाँ ब्लॉक के यहाँ रहता है, लेकिन इसको वैसा नहीं है, इसको नीचे से टेंशनर रहता है। ये सिस्टम है इसकी, टाइमिंग चेन किट आप चेंज करते हैं तो उसमें वो सब कुछ आ जाता है। इसलिए टाइमिंग चेन किट टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, तो ये टेंशनर आपको मैंने दिखाया है ये। ओके, करने का पुलर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसा टाइट हो जाता है मैग्नेट और ये बोल्ट टाइट करने का बॉक्स 17 नंबर के पुलर्स। ओके, ये मैग्नेट टाइट करने का पुलर है, देखते हो मैग्नेट पुलर लगा दिया है और बॉक्स से हम मैग्नेट टाइट कर दिया है। ये मैग्नेट का सिस्टम है। ओके, तो हो गया, टाइट कर रहा हूँ। ओके, हो गया। ये मैग्नेट पैकिंग है, ड्रीम न्यू, ड्रीम यू का सीडी डिलक्स, ये देखो होंडा का पार्ट नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेट पैकिंग का। ये देख सकते हो 11395 KWS 900 ओरिजिनली पैकिंग यूज करने का दोस्तों।
ये मैग्नेट पैकिंग लगा दे, हम लगा देते हैं, यहाँ स्टार्टर का वो पिन बैठ जाता है। ओके दोस्तों, तो चलो। ओके दोस्तों लोग, हमारा ड्रीम योगा का, ड्रीम न्यो का इंजन फिट हो गया है, सब कुछ हमने उस पर चढ़ा दिया है। तो ये आप गाड़ी देख सकते हो जिसको मैंने फिट किया है। अब हम ऑयल डाला है इसमें, अब इसको स्टार्ट करके आपको फायरिंग दिखा देंगे इस गाड़ी का। ओके, तो ये गाड़ी अपनी हो गई है पूरी तरह से, तो आपको स्टार्ट करके उसको दिखाएंगे हम अच्छी तरह से कि किस तरह से इसका काम सही हो गया, फायरिंग कैसा आ रहा है। ब्लॉक पिस्टन नया डाल दिया है हमने। चलो तो फिर हम स्टार्ट करके देखते हैं, ये सब कुछ फिट किया है। ओके,